हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आई हूँ अभी छत में। मैं आई थी अभी छत में कपड़े फैलाने के लिए। दरअसल कुछ परसों के कपड़े, कुछ मैंने कल शाम को धुले थे तो वही फैलाने के लिए आई थी। और आज भी मौसम बारिश वाला हो रखा है, बादल लगे हुए हैं। देखिए बारिश आज भी होगी शायद, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, तो आज भी बारिश आने के आसार है। लग नहीं रहा कि धूप आएगी। और ये हमारे फ्लावर्स परसों 3 खिले हुए थे, आज 4-5 खिले हुए एक साथ। अब चलते हैं नीचे और बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू में नमक मिर्च हल्दी मिला दी है। और अब बनाते हैं पराठे। इसमें भरेंगे हम आलू की स्टफिंग। मैंने पराठे बना दिए हैं और मैं बना रही हूँ इवेंटी के लिए दलिया। और साथ में रखिए चाय। पहले दलिया बना लेते हैं तब साथ में नाश्ता करेंगे। बच्चों को सुबह सुबह दलिया चाहिए होती है। मेरी बेटी तो खास कर दी है, उसकी पसंद है सॉफ्ट दलिया। बिना दलिया के खड़ी नहीं उठेगी। अब हम करेंगे नाश्ता। और नाश्ते में मैंने लिए हैं पराठा और चाय। मुझे ना चाय के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और चाय और पराठा। और मेरी बेटी अभी सो रखी है, छोटी वाली, दूसरी वाली उठ के वो अपना काम कर रही है स्कूल का। और मैं कर रही हूँ नाश्ता। रोड अभी गिल्ली हो रखी है। और आसमान के भी बुरे हाल हैं, अभी बारिश बहुत तेज आएगी। तो हम चल रहे हैं ड्यूटी। अभी भी कोहरा लगा हुआ है, ठंडा बहुत हो रखा है। इतने सारे गड्ढे हो गए रोड में, कीचड़ का पानी इन्हीं में भरा हुआ रहता है। मैं दूध भी लेके आई थी अभी, तो दूध को मैं पतीली में डाल दूँगी और इसे मैं गर्म कर लूँगी। मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई थी तो मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। और सुबह मैंने राजमा की दाल रखी थी तो वो बन चुकी है। और अब मुझे बनाना है चाय पीने के बाद लंच। आज मैं सब्जी भी सुबह ही लेके आ गई हूँ। और सब्जी मैंने लगी है आज पत्ता गोभी और कुछ टमाटर। शाम को यहाँ पे डेली बारिश हो रही तो बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यहाँ पे चाय बन चुकी है तो पहले हम पी लेते हैं चाय, उसके बाद बनाएंगे लंच। चाय बन चुकी है तो अब पी लेते हैं चाय। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है। मुझे थोड़ी कच्ची सी लग रही थी, हल्की सी, तो इसको मैं 1-2 सीटी और मनाऊँगी, उसके बाद निकाल दूँगी। तब तक हम चाय पी लेते हैं। चाय पी ली है, अब बनाते हैं लंच। दाल भी बन चुकी है, मतलब अच्छी तरीके से गल चुकी है दाल। तो अब मैं चलाती हूँ भात इसमें।